हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि आपके 7 नंबर का है। कितने नंबर का है भाई? 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर की एमसीक्यू आएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो सीधी सी बात है कैपिटल एडजस्टमेंट से आएगा। और यहाँ पे 2 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन 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 ध्यान रखो, आप डायरेक्ट कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करते, आपको बहुत सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आना चाहिए। पीएसआर के यहाँ 6 टाइप्स मैंने कराए हैं, वो 6 टाइप्स। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की जो 5 एंट्री लिखवाई थी, गुडविल अपेयर, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, उसके बाद नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे सैक्रिफाइजिंग में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइजिंग नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग, फिर गेन कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, फिर विड्रॉन की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से कुछ एंट्रीज है, एक वाला टॉपिक आप देखना। दूसरा फिर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बताया था वो देखना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है WCR और IFR, ये आपके हर 3 चैप्टरों में काम आने वाले हैं। WCR और IFR के मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस कराए हैं, आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा देखा होगा। IFR और WCR के केस की, जैसे WCR की बात करता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन, सिर्फ रिजर्व दिया तो क्या होगा, रिजर्व के साथ साथ क्लेम दिया तो क्या होगा, सिर्फ क्लेम है तो क्या होगा, रिजर्व क्लेम दोनों क्लेम ज्यादा है या रिजर्व ज्यादा, से 4 कंडीशन थी। तो वो IFR और WCR के केसेस देख लेना। कोई टॉपिक पर डाउट हो तो आप बता देना, वो मैं आपको करा दूंगा और करा रखा है, मैं आपको लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, आपको मिलेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो रखा है। तो IFR WCR के केसेस हो गए। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन के लिए आपको देखो क्या करना है, मैंने कुछ एक लेक्चर डाल रखा है इसमें, डेटर के 5-6 केसेस बता रखे हैं, रिड्यूस बाई, रिड्यूस टू वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है, अंडर वैल्यूड बाई या टू से जो वाला कॉन्सेप्ट वो बता रखा है। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, पहले यही दिक्कत करते हैं बच्चे रिवॉल्यूशन के अंदर ही, तो आपको करना करना है। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट, तो 2 घंटे बैठो और रिवॉल्यूशन के ही क्वेश्चन लगाओ, 20-25 क्वेश्चन करो रिवॉल्यूशन के, रिपीट होने लगेगी एंट्रीज, आप क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। 20-25 क्वेश्चन रिवॉल्यूशन बनाओ, रिवॉल्यूशन बन रहा है तो ठीक है, जहां जो डाउट है उन वर्ड्स को, उन लाइनों को अंडरलाइन कर लो, मेरे से लाके पूछो कि सर ये मेरे पॉइंट्स रह गए, जो लाइव वाले बच्चे ऑनलाइन वाले लेक्चर में सर ये वाला पॉइंट रह गया मेरा, बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरीके से आप अपना रिवॉल्यूशन मतलब उन एडजस्टमेंट्स को क्लियर कर लोगे तो आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे तभी आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर पाओगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट 6 नंबर का है। और ध्यान रखो उस 6 नंबर के जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो एडमिशन के ऑप्शन में, रिटायरमेंट का भी 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। लेकिन आपको दोनों ही करके जाना है कि आप वहां पर आपके पास चॉइस होगी, एक मुश्किल है तो दूसरा आप कर सकते हो। बाकी 1 नंबर का जो एमसीक्यू आएगा वो किसी भी टॉपिक से हो सकता है, जनरल सा क्वेश्चन होगा, आपने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप वो एमसीक्यू कर ही लोगे, चाहे हो सकता है WCR से हो, IFR से हो, गुडविल से हो, PSR से हो, मतलब ये सारे टॉपिक्स के अंदर ही कवर अप हो जाएगा, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी चीजें कर लेना, आपका ये एडमिशन का 7 नंबर आपके पक्के हो गए। तो बस इन सब चीजों पे ध्यान दे लो। कोई भी किसी भी चीज में जो डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको उसे करना है, और जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको हेल्प भी करूंगा आपके करने में। ठीक है बच्चों, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम आप ही के साथ है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।